वेलकम टू माई चैनल क्विक नॉलेज बाय मीरा फातना सो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बात की थी अबाउट द ओब्लिक इंसीडेंस अब इसमें हम बात करेंगे द ट्रांसवर्स इंसिडेंस। ट्रांसवर्स हमें बात चल रहा है जो मतलब आपने ट्रांसवर्सली uh, इसमेंस आप ठीक है वेरी क्वाइट इजी सो अब आगे ट्रांसवर्स इंसीडियंस जब आपने देनी है तो वहाँ पर कह रहे हैं एंटीरियर लेयर ऑफ डायरेक्टर्स पर देनी होती है ठीक है डायरेक्टर्स डोमिनल सेंटर में आपके पास जो है वो रेक्टस रेक्टेस्तीत होती है उसके अंडर लेके पास रेक्टेस मसल होता तो है तो आपने जो ट्रांसपोर्ट इंश्योरस देने उसमें बजा हमें ट्रांसपोर्ट इंश्यूस इस लेवल पे देनी है ठीक है मतलब ये सेंटर वाले में ना तो आपके पास यहाँ पे किन किन चीज़ों के है? Uh, को इंसाइज करने आपने इंटीरियर लेयर ऑफ रेक्टस रेक्टेस्त को रिमूव करोगे उसके नीचे जाके पास ड्रॉमिक्स मसल बराबर तो उसको आप उसको इंसाइज करोगे ठीक है और इसमें भी हमारे पास जो है गुड एक्सेस होता है टू द वेस्ट्रा और आपके पास लीस्ट डैमेज होता है आपके पास नर्व सप्लाई में का मतलब नर्व सप्लाई का डैमेज भी लीस्ट है और आपके पास क्या है गुड एक्सेस है सो so, uh, जो ट्रांसफर्स इंसिजन की एक टाइप है वो है हमारे पास सब कोस्टल इंसिजन ठीक है मतलब अगर आपके पास आपको यहाँ पे कहाँ पे बना के दिखाऊँ कि अगर आपके पास पोस्ट करो ये uh, है एब्डोमिनल वॉल ऊपर आपके पास स्टर्नम पड़ी हुई है ठीक है स्टर्नम के साथ आपके पास कुछ रिब्स लगी होती हैं ठीक है सपोज करो और आपके पास जो है वो ये जो होते हैं uh, का, कार्टिलेज उनके थ्रू जिप्स अटैच हुई होती हैं सपोज आपके पास ये कोस्टल मार्जिन है ठीक है अगर आपके पास कोस्टल मार्जिन के पैरल आपको जो इंसीजेंस दोगे ना जिसे हम कहते हैं सब कोस्टल इंसीजेंस ठीक है सब कोस्टल इंसीजेंस कहते हैं हम इन्हें अगर आप राइट साइड पर हमें पता क्या पाया होता है गोल ब्लैडर भी होता है बिलरी डग्स होता है अब बिलरी डक्ट और गॉल ब्लैडर पर ऑपरेट करना है तो आप राइट साइड पर इंसीजन देते हो और लेफ्ट पे स्प्लीन होती है ठीक है सब क्वेश्चन सीन्स आपने राइट साइड पे क्यों देनी है गोल बेड और बिलडी डक्ट्स के लिए और लेफ्ट पे देनी है आपने स्प्लीन के लिए और हम जो है ना एग्जैक्टली पैरेलल मतलब अगर आपके पास लास्ट जो आपके पास जो रिप भरी हुई है उसके साथ ही इंसीजन नहीं देते टू तो पॉइंट फाइव सेंटीमीटर इन्फीरियर देते हैं कोस्टर मार्जिन उसकी कोई रीजन होगी और वो रीजन हमारे पास ये है कि हमें सेवंथ और एट्थ स्पाइनल नर्व्स को क्या करना होता है अवॉइड करना है उनकी इंजरी ठीक है जाहिर है यहाँ पे भी तो नर्व्स हैं ना तो सेवन्थ और एट्थ जो थ्रेटिक्स स्पाइनल नर्व्स को बचाने के लिए मतलब उनकी इंजरी नहीं हो उनको हमने क्या करना है जो करसीजन देनी है ना देनी तो हमने पैरल ही है कोस्टा मार्जिन के बट उनके टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर बिलो देनी है कोस्टा मार्जिन में ठीक है फिर हमारे पास ना कुछ हाई रिस्क इंसीडेंस होते हैं मतलब है हाई रिस्क का मतलब है कि अगर हमें देंगे तो हमें कुछ ना कुछ डैमेज जरूर होगा हाई रिस्क इंसीडेंस हमारे पास दो टाइप की होती हैं ठीक है वो कौन कौन सी होती है आपके पास पैरा रेक्टस और आपके पास इंग्वाइनल इंसून इनके नाम हमें याद रखने हैं हाई रिस्क इंजीडियंस आर द पैरा रेक्टस इंसुलिन आता है हाई रिस्क और आपके पास इंगवाइनल लेवल पे जो इंसुलेंस होते हैं वो क्या होती हैं हाई रिस्क होती हैं आपके पास ठीक है अब जो पैराक्टस होती है ना वो रेक्टस से पता रहा है हमारे पास और पैरा से रहा है पैरेलल टू द रेक्टस मसल ठीक है सो लेटुरल बॉर्डर ऑफ द रेक्टस शीट पे आप जो इंसुलंस दोगे उसे हम कहते हैं पैराक्टस मसल और ये हाई रिस्क क्यों होती हैं बिकॉज दे कर द नर्व सू द रेक्टस अबडोमिनस मसल सो अगर आप रेक्टस अबडोमिनस मसल डैमेज होगी तो ऑब्वियस है ये क्या है आपके पास हाई रिस्क इंसिजन फिर आपके पास आ जाती है इंग्गनल इंसिजन इंग्वाइनल इंसिजन आपके पास हाई रिस्क और वो क्यों हम करते हैं अगर आपके पास इंग्वाइनर हर्निया है ना इंग्गनर हर्निया को रिपेयर करने के लिए आप इंग्वाइन इंसिजन देते हो लेकिन जब हम इक्वाइनल इंसिजन देते हैं तो वहाँ पे ये ख़दशा होता है कि हम क्या कर दें इलियो एंग्वाइनल नर्व को डैमज करना सो दीज टू आर द हाई रिस्क इंसिजन क्यों क्योंकि पैरक्स में आपके पास जो है उसकी नर्व सप्लाई कट हो जाती है और इंग्वाइनल में आप एलो एंगवाइनल नव को डैमेज कर बैठते हो फिर आपके पास होता है इंसिजनल हर्निया ये इंसिजनल वर्ड है इंसिजनल इंसीजनल जो है वो हर्निया हो जाता है इंसीजनल हारनी का मतलब ये है कि आपने इंसीजन दी है और इंसीजन की वजह से हर्निया हो गया नाम से अगर हम देखें तो इंसीजनल हर्निया में आपके पास क्या होता है या तो प्रोटीव प्रोट्यूजन होगी किसकी ओमेंटम की या किसी भी ऑर्गन की थ्रू द सर्जिकल इंसीजन जो आपने सर्जिकल इंसीजन दी है उस सर्जिकल इंसीजन के थ्रू आपके पास कोई भी ओमेंटम मतलब ओमेंटम या कोई भी ऑर्गन जो है वो प्रोट्यूट करेगा बाहर की तरफ ठीक है और ये क्यों होता है कि आपने इंसीजन दी है बट आपके पास जहाँ पर जो मस्कुलर और जो एपिनटिक लेयर्स थी वो हील ही नहीं हुई

अब तो हमने इन इंसीडेंट्स के बारे में बात की हमने बात की थी अबाउट जो है वो लॉन्गिट्यूडनल ओब्लीक और ट्रांसफर्स और हायर रिस्क इंसीडेंस की बात की हमने इंसिजन हर्निया के बारे में बात कर लिया अब हमारा लास्ट टॉपिक है मिनिमली इन्वेसिव या उसे हम क्या कहते हैं एंडोस्कोपिक सर्जरी ये हमने अगर आपके पास एबडोमिन या पैलवे पे कोई ऑपरेशन करना हो सपोज़ अगर आपने गोल बेडर को रिमूव करना है तो उसके लिए हम ये यूज़ कर रहे हैं एंडोस्कोपिक सर्जरी इसमें आप क्या करते हो एक लेपेरोस्कोप यूज़ करते हो ठीक है लेपेरोस्कोप का क्या मतलब है आपके पास आपने जो है वो डोमिनल वॉल पर जिस एरिया पे आपने सपोज अगर गोलबेड के रिमूव करना है गोलबेड के रिमूव करने के लिए मैंने आपको बताया कौन सी इंसिजन दे रहे थे हम ट्रांसफर्स और ट्रांसफर्स भी सब कोस्टल ठीक है सब क्वेश्चन सीन दे रहे थे हम ठीक हो गया सब क्वेश्चन सीन टूपर नीचे जो भी मैंने आपको रिसेंटली बताया तो आपके पास जो है वो रिमूवल ऑफ ग्रो गॉल बर्डर जब आपने करना है स्पोज करो तो आपने क्या करना है टाइनी परफोरेशन देनी है एपडमरल वॉल को ठीक है उस जो आपके पास टाइनी परफोरेशन टाइनी होल्स जो आप एपडमन वॉल में बना रहे हो वहाँ से आपने क्या करना है एंट्री करवानी है इंस्ट्रूमेंट के अंदर जब वो इंस्ट्रूमेंट अंदर जाएगा उसको आपने एक्सटर्नली ऑपरेट करना है मतलब कंप्यूटराइज सारा होगा ना तो आप कंप्यूटर स्क्रीन पे आप देखते जाओगे वो कहाँ जा रहे हो उस, 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 उस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू एक्सटर्नली बैठ के बाहर बैठ के आप क्या कर रहे हो उसको ऑपरेट कर रहे हो ठीक है तो आपने अब ये जो प्रोसीजर होता है रिप्लेस करा होता है कन्वेंशनल इंसूडियंस जो हमने आपको सारी बातें वो इंसियंस ही है ना कन्वेंशनल है तो ये एक एडवांस्ड मेथड है जिसमें आपके एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल पे कोई इंसियंस करोगे आप कुछ भी इंस्ट्रूमेंट या कोई ट्यूब अंदर भेजोगे उस ट्यूब को एक्सटर्नली जो है वो आप जो है सारा एक्सटर्नली जो प्रोसीजर होगा उस ट्यूब के थ्रू आप बाहर बैठे ही कर आ, कर लोगे तो आप हम इन क्यों प्रेफर करते हैं क्योंकि आपके पास जो नर्व इंजरी जो होती है जो हमें किसी भी इंसिडेंस में अपने बात की कोई भी नर्व डैमेज हो सकती है इसमें पोटेंशियल फॉर द दे नर्व डैमेज बिल्कुल भी नहीं है ठीक है फिर आपके पास जो इंसिजनल हर्नियाज़ हमने पढ़ा है इसमें वो भी नहीं होता या आपके पास कोई वून की जो कंटेमिनेशन होगी वो भी नहीं होती और आपके पास टाइम कंज्यूमिंग भी होती जो है वो टाइम सेविंग होती है जल्दी हो जाती है ठीक है तो आपके पास ना तो नर्व डैमेज हो रही है आपके पास कोई आपके पास टाइम जो है वो भी सेव हो रहा है आपके पास जो वून्ड्स हैं उस पर कोई कंटेमिनेशन भी नहीं हो रही है आप ना, तो ना तो कोई इंसिजनल हर्निया होगा तो है, हम इसे प्रेफर करेंगे ठीक है सो अबाउट द मिनिमली इन्वेसिव एंडोस्कोपिक सर्जरी